आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। भारत में ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज, मामले बढ़कर 415 हुए। कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में उड़ाना चाहता था गगनदीप, बड़े विस्फोट की थी प्लानिंग, जांच से हुआ खुलासा। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक पहाड़ों पर बर्फबारी, लेह में शून्य से नीचे लुढ़का पार। हरक सिंह रावत नहीं देंगे इस्तीफा, सीएम धामी से देर रात फोन पर बात हुई। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा 3%, 10वीं 12वीं के छात्रों को मोबाइल और टैबलेट बांटने की भी मंजूरी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के इस्तीफे को लेकर उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस तरह का कोई भी मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है, यानी कि हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ में सुबोध उनियाल की जानकारी में इस्तीफा नहीं दिया। हरक सिंह की नाराजगी को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जरूर माना है और ये कहा है कि हरक सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर नाराजगी जाहिर की है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे पर ये बात सामने आई है कि कोई भी ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है, कोई इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। देहरादून से ये खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड की राजनीति में जहां इस्तीफे की बात चल रही थी, तो वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ में इस्तीफे को लेकर उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि इस तरह का कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है, यानी कि हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ में सुबोध उनियाल की जानकारी में इस्तीफा नहीं दिया गया है। हरक सिंह की नाराजगी को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जरूर स्वीकारा है और ये कहा है कि हरक सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर नाराजगी जाहिर की है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लगातार दूसरे साल मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। पालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने बताया कि बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, साथ ही ओमिक्रॉन का मामला भी राज्य में मिल चुका है। एहतियात के तौर पर विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड का पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और नगर पालिका मसूरी इसका आयोजन करते थे। इसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से सांस्कृतिक दल प्रस्तुतियां देने आते थे। बॉलीवुड के कलाकारों को भी यहां बुलाया जाता था, साथ ही होटल व्यवसायी विभिन्न स्थानीय उत्पाद की स्टॉल लगाते थे। इस बार विंटर लाइन कार्निवल को एक सप्ताह के बजाय 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बीते दिनों बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार फिर से आयोजन स्थगित करना पड़ा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव साबिर पाक दरगाह पहुंचे। उन्होंने साबिर पाक की दरगाह पर चादर पोशी की और दौरा निजी बताते हुए मीडिया से दूरी बनाए रखी। योग गुरु बाबा रामदेव लाव लश्कर के साथ अचानक पिरान कलियर पहुंच गए। इस दौरान तहसीलदार चंद्रशेखर वरिष्ठ और राव सारिक नियाजी मौजूद रहे।
संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस ने एक बार फिर पाबंदियां बढ़ानी शुरू कर दी है। क्रिसमस और नववर्ष पर होने वाली भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। होटल रेस्टोरेंट मॉल में होने वाली भीड़ पर पुलिस की नजर है। पुलिस विभाग की ओर से होटल रेस्टोरेंट और मॉल स्वामियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बड़े आयोजन पर वो पुलिस की अनुमति लेंगे। मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण से बेखबर लोग खुलेआम बिना मास्क घूम रहे हैं। होटल और बारों में क्षमता से अधिक लोग बैठाए रहे हैं जो कि संक्रमण बढ़ा सकते हैं। ऐसे में पुलिस विभाग का इंटेलिजेंस भी भीड़ भाड़ वाली जगहों की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इसी रिपोर्ट पर पुलिस आगे की कार्रवाई भी करेगी। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार कर्नल अजय कोठियाल टनकपुर नगर पहुंचे। इस मौके पर आप कार्यकर्ताओं ने कर्नल का जोरदार स्वागत किया, जिसमें बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान अजय कोठियाल तुलसी राम चौराहे पर जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। साथ ही प्रदेश की दुर्दशा के लिए पूर्व और वर्तमान सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। क्या है कि आम आदमी पार्टी, पहले तो यहाँ पे दो ही पार्टी होती थी, बीजेपी और कांग्रेस। तो जनता के पास में कोई विकल्प तो था नहीं, अपना जो अधिकार है हर इंसान चाहता है कि यूज़ करे। तो बारी बारी से कांग्रेस बीजेपी, उसके बाद फिर कांग्रेस फिर बीजेपी, और शुरू में इंटरिम एक सरकार रही है। तो जनता तो हमेशा देख रही है कि कैसे यहाँ पर कोई एक नया विकल्प आए, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग आज दिल्ली में हैं। और क्योंकि आज ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, आज ये जो कोई भी जानकारी है वो सबको एकदम से मिल जाती है। तो जनता तो ज़रूर देख रही थी कि आम आदमी पार्टी अगर उत्तराखंड में आती है तो वाकई में जिनको बोलते हैं उत्तराखंड के सुलगते सवाल, जो कि हमारी इच्छाएं थी कि आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड जब अलग हो यूपी से, तो वो सारी जनता के लिए पूरा करेंगे। आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता पहले तो बीजेपी और कांग्रेस को तो नेगेटिव ही देख रही है, क्योंकि बीजेपी का तो टेन्योर पूरा ही मतलब फेलियर टेन्योर रहा है, कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। कांग्रेस जो है उनकी आपस में इतनी लड़ाइयाँ हैं, रोज इस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके सीनियर से, साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का तो अस्तित्व ही खत्म होते जा रहा है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ पार्टी है। सबसे पहले तो हम अपनी बात करें, अगर हमारे कोई देखे तो कोई मना नहीं कर सकता कि केदारनाथ पुनर्निर्माण नहीं करा है, कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने यूथ फाउंडेशन नहीं बनाया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ देखें तो इसमें कोई शक नहीं है, IIT रुड़की के पढ़े हुए, उन्होंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम निकाला है, एक अच्छा गवर्नेंस का मॉडल दिया है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अगर इंडिविजुअल को देखें, आज मदन महार को देखें, मतलब आदमी में कैरेक्टर है, आदमी पढ़ा। वही खबर अब हरिद्वार से है, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव साबर पाक दरगाह पहुंचे। उन्होंने साबर पाक के दरगाह पर चादर पोशी की और दौरा निजी बताते हुए मीडिया से दूरी बनाए रखी। योग गुरु बाबा रामदेव लाभ लश्कर के साथ अचानक पिरान कलियर पहुंच गए। इस दौरान तहसीलदार चंद्रशेखर वरिष्ठ और राव सारिक निजी नियाजी भी मौजूद रहे। संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस ने एक बार फिर से पाबंदियां बढ़ानी शुरू कर दी है। क्रिसमस और नववर्ष पर होने वाली भीड़भाड़ को रोकने के लिए पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। होटल रेस्टोरेंट मॉल में होने वाली भीड़ पर पुलिस की नजर है। पुलिस विभाग की ओर से होटल रेस्टोरेंट और मॉल स्वामियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। बड़े आयोजन पर पुलिस की अनुमति लेनी होगी। मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण से बेखबर लोग खुलेआम बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। होटल और बारों में क्षमता से अधिक लोग बैठे हुए हैं जो कि संक्रमण बढ़ा सकते हैं। ऐसे में पुलिस विभाग का इंटेलिजेंस भी भीड़भाड़ वाली जगहों की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इसी रिपोर्ट पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। खबर चमोली के विधानसभा थराली के पिंडर घाटी से है, जहां पर पिंडर घाटी के वाण लूट धाम के साथ ही विश्व प्रसिद्ध पिंडारी लेशियर सहित कई पर्यटक स्थलों पर लोक निर्माण विभाग की सड़कों की हालत खराब है। इस सड़क पर हमेशा मोटर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं, जिससे लोगों पर खतरा बना रहता है। अगर
और वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये टेम्पो जो है कि खड़ा है, ये गाड़ी खड़ी है, तो आप देख सकते हैं कि इस मैं देहरादून से हमेशा वाहन चलने वाला आदमी हूँ, तो यहाँ पे आप लोग इस रोड की ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ पे शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था है नहीं। यहाँ पे अगर मैं कर्णप्रयाग से ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे बिल्कुल डैमेज रोड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रक को इतनी सारी पब्लिक वो कर रही है, यहाँ पे हेल्प कर रही है। तो मैं विभाग से और शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि ये ज़रा इस थराली से लेकर और वाण गांव तक जो लास्ट विलेज नंदा देवी का राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ तक सारे लोग इस रोड का भला करें। और शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यहां पे ये दूरस्थ क्षेत्र जरूर है, तो यहां पे आप लोग एक बार जरूर नज़र डालें कि हमारे रोड के जो हालत हो रखे हैं थराली से वहां तक आज के दिन में। आज 24 तारीख है, आज 24 तारीख है। 24 तारीख को जो है थराली से वहाँ के बीच में जो है 3 गाड़ियाँ जो है रोड में फंस चुकी हैं। यहाँ पे ये देखिए सामने बड़ा ट्रक है, हैवी ट्रक है ये। यहाँ पे हमारे जो है कलमट के कारण कलमट टूट चुका है और ट्रक जो है पूरी धंस चुकी है, जिससे अभी तक कोई भी विभाग प्रशासनिक कुछ भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। और हम खुद इतने परेशान हैं कि इतने बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी जो है ये आप खुद देखिए कितने परेशान हैं। ये जो है हमारा मिनी मसूरी के नाम से जाना जाता है, ये रूपकुंड बैतनी ब्रह्मता ट्रैक का जो है लास्ट पड़ाव है। और यहाँ से जो है गाड़ियों का आवाजाही जो है सब बंद हो चुका है। और ट्रैकर जो है ये पूरी भीड़ में देखिए तादाद में सारे ट्रैकर जो है फंस चुके हैं, किसी की ट्रेनें रुक रही हैं, किसी का जो है समय बहुत ख़राब हो चुका है। यहाँ पे जो है ये अभी तक प्रशासनिक का कोई भी बंदा यहाँ पे हेल्प के लिए किसी। भगवानपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर और 2 ATM ठग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया है। हमारे यहाँ पिछले माह ट्रक चोरी हुआ था, इस ट्रक की बरामदगी को लेकर SOG वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा के निर्देशन में SOG एवं थाना भगवानपुर की पुलिस कार्य कर रही थी। इसमें उनके द्वारा जो ट्रक चोरी का गैंग का मास्टरमाइंड है गुलजार, वह उसका सहयोगी जो ट्रक को यहाँ से चला के ले गया था, समझ को कल गिरफ्तार किया गया है। इनसे एक I-20 कार, एक पिस्टल और एक मस्कट इनसे बरामद की गई है। साथ ही साथ इसमें एक GPS भी इनसे बरामद किया गया। बरामद चोरी जो ट्रक है वो इन्होंने अपने अन्य साथियों को दिया हुआ है, जिसकी बरामदगी शेष है। उसके लिए जो टीम वहाँ रवाना कर दी गई है बरामद की। गुलजार पर कुल 23 मुकदमे हैं, जो मुकदमे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।